दोस्तों भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबले में रोहित शर्मा के छक्के से एक छोटी बच्ची की जान जाते जाते बच गई। उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने वो काम करके दिखा दिया जिससे आप रोहित शर्मा को सलाम करोगे। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरा मामला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया की टीम ने एशिया कप 2023 के सुपर फोर के मुकाबले में बारिश से पहले 147 रन स्कोर पर लगाए 24.1 ओवर में 2 विकेट खोने के बाद, जिसमें रोहित शर्मा ने 56 रन का योगदान दिया और वहीं सुमन गिल ने 58 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों उसके बाद बारिश आ गई और बारिश ने पूरा खेल खराब कर दिया, जबकि इस मुकाबले को कैंसिल भी किया गया। मगर दोस्तों आपको बता दें, मामला उस वक्त का जब भारतीय टीम की ओर से बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा और वहीं पाकिस्तान की ओर से 7वां ओवर लेके आए थे शादाब खान। जैसे ही शादाब खान ने 7वें ओवर की 5वीं गेंद कराई तो रोहित शर्मा ने उस गेंद पर एक गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया और वो छक्का जाकर एक छोटी सी बच्चे के सिर पर लगा। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची के सिर से खून निकलना चालू हो गया। वो तो दोस्तों डॉक्टर्स टाइम पर पहुंच गए और इस तरीके से बच्ची मरते मरते बच गई। मगर दोस्तों उसके बाद खुद रोहित शर्मा उस बच्ची के पास गए और उस बच्ची का हाल भी पूछा। यहाँ तक रोहित शर्मा ने उस बच्ची के लिए बड़ा इनाम भी दिया था।